25 जून 1975 का वो दिन जब देश में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के इस दौर में विपक्षियों को जेल में ठूंस दिया गया और मौलिक अधिकार समेत प्रेस की स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका असर देश भर में पड़ा। छत्तीसगढ़ में उस वक्त क्या हालात थे, इसे बताया बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि आपातकाल को आज 49 साल बीत गए हैं। जब आपातकाल की घोषणा हुई तब छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग जिलों में गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। जनता के पास ये अधिकार तक नहीं रह गया था कि वो राजनीतिक मसलों पर खुलकर बात भी कर सके। लोकतंत्र की हत्या हो गई। उपासने ने बताया कि छात्रों तक को भी जेल में भर दिया गया। संजय गांधी के नेतृत्व में मनमाने तरीके से अपात्र लोगों की भी नसबंदी कर दी गई। 21 महीने के आपातकाल के दौर में छत्तीसगढ़ में 1100 से 1200 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया गया। उन्होंने बताया कि जेल में उनके और दूसरे लोगों के साथ मारपीट भी की जाती थी। 1100 से 1200 लोग पूरे प्रदेश में थे। रायपुर जेल पूरी भरी हुई थी, बिलासपुर जेल में, जगदलपुर जेल में, राजनांदगांव में, जेल में, उधर सरगुजा के जेल में, बस्तर के जेल में। मैं सारे जेल का रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है जो मैं निकाला था, कितने कितने लोग कहाँ कहाँ थे। सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि तात्यापारा स्थित उनके घर को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया। उनकी माँ और भाई भी जेल गए। खुद वे 19 महीनों तक जेल में रहे। उन्होंने बताया कि आपातकाल जब लगाया गया तब उनकी उम्र 18 साल थी और वे बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि हमारे पास उस दौर में टेलीविजन नहीं था, रेडियो से ही खबरें पता चला करती थी। तब वे युगधर्म नाम के अखबार में भी काम करते थे। रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये बातें उन्होंने 26 जून 1975 की सुबह आकाशवाणी के प्रसारण पर कही थी। रायपुर शहर में इसके बाद 2-3 दिनों तक अफरा तफरी का माहौल था। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि आपातकाल के समय अविभाजित मध्य प्रदेश था और रायपुर छोटा सा शहर हुआ करता था। उनका घर तात्यापारा में था। उन्होंने बताया कि एमजी रोड में उन्होंने एक कमरा लेकर रखा था। रात के वक्त वे और उनके साथ ही एक छोटी प्रिंटिंग मशीन से पर्चा बनाते थे। इसमें तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही के बारे में लिखकर लोगों को जागरूक करते थे। रायपुर के सिनेमा हॉल में वे और उनके कुछ दोस्त रात के आखिरी शो में जाते थे। वे कमर में पर्चा बांधते थे ताकि पुलिस को पता न चले। इसके बाद वहीं से पर्चा लोगों के बीच में फेंकते थे। इसके बाद साइकिल से शहर की बस्तियों में घरों के दरवाजे के नीचे से सरकाकर पर्चा डाल देते थे। हम लोग फोल्ड करते थे और मैं महेंद्र फौजदार हम दोनों उसको यहाँ बेल्ट लगा के हम बांधते थे ऐसा पूरा दोनों। और उसके बाद हम प्रयास ये करते थे कि सभी टॉकीज में रात का पिक्चर सेकंड शो जो है उसको देखने जाएंगे। सेकंड शो देखने जाते थे और बालकनी में जैसे ही अंधेरा हुआ उसको निकाल के नीचे फेंक देते थे सब और बढ़िया आराम से पिक्चर देखते रहते थे। पुलिस खोजते रहती थी कौन ये कर रहा है, कभी आज इस टॉकीज में, कल उस टॉकीज में, परसों उस टॉकीज में, ऐसा करके पूरा वातावरण पूरे घर पूरे फिल्म देखने वालों पर कॉम्प्लेंट पहुँच जाता था। ये जागरण का काम होता था कि देश में क्या चल रहा है, तो वो तो अपना रख के चले जाते थे घर में पढ़ेंगे। फिर रात को निकलते थे तो फिर लेके जो है डबल सवारी साइकिल चलाते थे, आज पता चला प्रोफेसर कॉलोनी में बांटेंगे। सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि उन्हें कहा गया कि अगर जेल ही जाना है तो सत्याग्रह करके जाओ, अगर तुम इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाओगे तो खुद पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। तब वे और उनके साथी वीरेंद्र पांडे और महेंद्र फौजदार जयस्तंभ चौक पर इंदिरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने चले गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर नारेबाजी की, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया। इसके बाद पुलिस ने 19 दिसंबर 1975 से 21 मार्च 1977 तक के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया। बाद में 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। एनपीजी न्यूज़ के लिए प्रज्ञा प्रसाद की रिपोर्ट।